वो दिन आ चुका है, हर मोटरसाइकिल राइडर का सपना होता है लद्दाख जाने का। तो आज शाम को हम लद्दाख के लिए निकलेंगे और मैं चाहता तो मैं लद्दाख से वापस आके भी इसकी वीडियो बना सकता था, बट मुझे ऐसी उम्मीद है कि जब मैं वापस आऊँगा तो शायद इसमें बहुत सारे स्क्रैचेस होंगे, निशान होंगे, कहीं ना कहीं से शायद रैप हट चुकी होगी। तो अभी एकदम ताज़ा बनी हुई है, हमने दो दिन दो रातें लगा के, दिन नहीं रातें भी लगाई हैं, तब जाके ये खूबसूरत चीज़ हमें मिली है। इस बाइक को जब भी मैं मॉडिफाइड करवाता हूँ या हर बार पहले से ज़्यादा खूबसूरत बन जाती है। तो इस बार थोड़ा कलर यूनिक है, तो पहले आप एक बार बाइक के शॉट देख लो और उसके बाद हम बात करते हैं कि बाइक कैसे बनाई है, क्या खर्चा हुआ है। लास्ट टाइम जो हमने बाइक मॉडिफाइड कराई थी, अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। मेरे यूट्यूब चैनल में अभी तक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट व्यूज़ जो है उसी पे गए थे। लास्ट टाइम भी जब बाइक मॉडिफाइड कराई गई थी तो सबसे ज़्यादा जो मुझको DM आए थे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जो कमेंट्स आए थे वो सिर्फ और सिर्फ इसके क्रैश गार्ड के लिए आए थे। मैंने इतने सारे लोगों को इसके क्रैश गार्ड का डिज़ाइन सेंड किया था, वीडियो बना के सेंड की थी। तो शायद अब बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल सेम वैसा क्रैश गार्ड बनवा चुके होंगे, तो अब जो है हमने तो उससे बहुत अलग क्रैश गार्ड बनवाया है। ये भी आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाला, ये भी हैंडमेड है। इसको बनाने में जो कॉस्ट आई है वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। ये जो क्रैश गार्ड हैं ये BMW GS 1200 800 और जो ट्रम्प टाइगर इन सब से इंस्पायर है, उसी के अंदर ऐसी किट लगी हुई आती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो किट आपकी अपाचे या आपकी डोमिनार या किसी छोटी बाइक में लग जाएगी। इनकी कॉस्टिंग जो होती है वो काफ़ी महंगी होते हैं और ये बहुत बजट क्रैश गार्ड है। अब लद्दाख जा रहे हैं तो लद्दाख किट लगवानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। मार्केट के अंदर आपको बुलेट के लिए तो रेडीमेड कैरियर मिल जाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत आसान होता है, सिर्फ करोलबाग जाना है और अपनी किट बाइक में लगवानी है और लद्दाख निकल जाना है। लेकिन अपाचे के लिए नॉर्मल किसी बाइक के लिए ऐसी किट आती नहीं है, तो ये भी हमने खुद बनवाई है, हैंडमेड है ये भी। इसमें जो बैग लगे हैं वो बॉट्स के हैं, उसके बारे में आगे बताता हूँ आपको। इसमें जो एक किट लगाई गई है ये भी हमने खुद कस्टम करवाई है, ये मार्केट में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। इसके अंदर हम दो सैडल बैग रख सकते हैं दोनों तरफ, एक एक सैडल बैग, और ये और इसके अंदर एक हमने स्पेस पेट्रोल गैलन के लिए लगवाया है, एक तरफ 5 लीटर दूसरी तरफ 5 लीटर, तो टोटल 10 लीटर हम पेट्रोल भी कैरी कर सकते हैं। इन लोगों के पास अपाचे है वो मेरी इस फीलिंग को बहुत अच्छी तरह का समझ सकते हैं कि अपाचे पे लंबा टूर करना कितना मुश्किल होता है। इसकी जो सीट है वो ऐसे बना रखी है जैसे कोई ट्रैक बाइक हो, मुश्किल से मुश्किल 1-1.5 घंटे चलाने के बाद आपको कहीं ना कहीं बाइक रोकनी पड़ेगी, इतना दर्द होता है।
लास्ट टाइम अभी जिम कॉर्बेट का जब ट्रिप मारा था तो मैं जानता हूँ मेरी क्या हालत हुई थी बैठे बैठे, इतना दर्द हुआ था कमर के अंदर और हिप के अंदर। सीट को ध्यान से देखेंगे तो इसका साइज इतना था पहले और अब इतनी फॉर्म इसमें एक्स्ट्रा डल चुकी है। प्राण ने इसके अंदर कम से कम 1.5 इंच की फॉर्म भर दी और उसको ऐसी शेप दे दी जैसे बुलेट की सीट आती है। और बिलीव मी गाइस, बैठने के बाद इतना कंफर्ट फील कर रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली लद्दाख पहुँच जाऊँगा। ज़्यादा हो गया पीछे की तरफ जो है, हमने इसका गैरेज इतना लंबा करवाया ताकि मैं अपना लगेज यहाँ से लेके यहाँ तक इतना लंबा लगेज रख सकूँ। यहाँ तक इसलिए ताकि पीछे मैं अपनी बैग को रेस्ट दे पाऊँगा उस बैग पे, और वो लगेज जो है चाहे कितना भी लंबा हो वो यहाँ तक आ सकता है। फिर इसको मैं बंजी रोप से पूरा बांध सकता हूँ। जब मैं लद्दाख के लिए निकलूँगा बैग इसमें बांधूँगा तो आप लोगों को उसकी पिक भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे दिख जाएगी। लास्ट टाइम जब मैंने बाइक मॉडिफाइड कराई थी तो उसके अंदर जो मेरी नंबर प्लेट थी वो थोड़ी सी कस्टम थी और फैंसी भी थी, लेकिन मैंने उस टाइम भी बोला था कि उस तरीके की जो नंबर प्लेट होती है उससे हमें वो हमें नहीं लगवानी चाहिए, उससे हमें चलान भी होते हैं। पिछले 3 महीने में मेरे सिर्फ नंबर प्लेट के शायद 7-8 चलान हुए होंगे। तो लेकिन उस टाइम पर मैं कोई रोड ट्रिप नहीं कर रहा था, और अब तो मामला लद्दाख का है तो उस टाइम पे बहुत सारे चेक पोस्ट मिलेंगे, बहुत बार पुलिस रोक भी सकती है। तो मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता कि मुझे पुलिस रोके। तो मैंने जो कंपनी से जो मेरे को नंबर प्लेट मिली थी वो मैंने वापस लगा दी है। वापस आके अगर मेरा चेंज कराने का मन होगा तो चेंज करा लूँगा, फिर चलान कटवाने पड़ेंगे। बात करते हैं इसके टायर की। ये कंपनी से इसके अंदर 120-130 नंबर आता है वैसे, और मैं बहुत टाइम से बहुत लोग मेरे को सजेस्ट कर रहे थे कि बाइक इतनी अच्छी मॉडिफिकेशन करा लिया आपने तो इसके टायर का भी कुछ करो। पुलकित भाई ने मेरे को बोला था कि बस एक टायर की कमी है, टायर की वजह से बाइक थोड़ी सी पतली लगती है, और टायर थोड़े से घिस भी गए थे लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाई थी तो बहुत सारे बर्नआउट मार लिए थे वीडियो के चक्कर में, तो टायर बहुत घिस गया था। अब जो टायर लगाया इसके अंदर ये 150 नंबर है, पिरेली कंपनी का टायर है और इससे बहुत अच्छी लुक आ रही है। तो अब पीछे से अगर कोई देखता है तो कह नहीं सकता कि ये अपाचे है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं सुपर बाइक का लुक दे रही हैं। सफ़र पे जा रहे हैं, बहुत लंबे लंबे किलोमीटर तक गाड़ियाँ चलानी हैं, तो कान के अंदर हैंड्स फ्री तो लगा के जाएंगे नहीं। तो बाइक के अंदर एक नई चीज़ आई है, या हो सकता पुरानी हो, लेकिन मैंने तो अभी देखी थी। सुभांशु ने अपने चैनल पे, राइडर सोल ने अपने चैनल पे अभी दो चार दिन पहले अपने चैनल पे डाली थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने भी परचेज़ कर ली। ये ब्लूटूथ स्पीकर है दोनों तरफ, रास्ते के अंदर जब म्यूज़िक सुनना हो या कहीं आप होटल पे कहीं रुकते हो ढाबे वगैरह पे तो गाड़ी खड़ी करके मज़े ले सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ उन चीज़ों की बातें करी हैं जो मैंने अभी लगवाई हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने पहले मॉडिफिकेशन करवाई थी तब लगवा ली थी, तो अब मैं उनके बारे में इस वीडियो के अंदर नहीं बता रहा हूँ। उन सब के लिए वीडियो बनी हुई है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उस वीडियो का लिंक है। उस वीडियो को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था बाइक को लेके, बहुत लोगों ने गालियाँ भी दी थी। हाँ, वो जो लोग थे जिन्होंने मेरे को बोला था कि भाई इससे अच्छा ड्यूक ले लेता, तो उनके लिए खुशखबरी है, ड्यूक तो नहीं ली लेकिन इसके अंदर जो मडगार्ड है वो मैंने ड्यूक का लगवाया है, पहले वाला टूट गया था। तो पहले जी आ गए थे ड्यूक के, अब ड्यूक का मडगार्ड आ चुका है। अब इसके रेट की बात कर लेते हैं। आगे के जो मैंने क्रैश गार्ड लगवाए हैं वो मैंने एसएस गोल्डन बाइकर से लगवाए हैं। इसकी कॉस्टिंग जो है अप्रॉक 4000 के आसपास पड़ी थी, पहले वाले थोड़े सस्ते थे थोड़े महंगे पड़ गए क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा आयरन यूज़ हुआ है। अब जो लद्दाख कैरियर किट है, अगर आप बुलेट की लेने जाते हो करोलबाग के अंदर, तो वो बहुत सस्ती मिल जाती है, 1800-2000-2500 तक अच्छी, बहुत अच्छी किट मिल जाती है। बट ये स्पेशली कस्टमाइज कराई गई है तो उसके अंदर थोड़ी कॉस्टिंग ज़्यादा आई थी, अप्रॉक्स 5000 के आसपास पड़ गई। तो 5000 और 4000, ये दोनों, इन दोनों का खर्चा जो है वो 9000 के आसपास आया, फिटिंग वगैरह के चार्जेस अलग लगे थे। सैडल बैग के रेट जो है मैं आपको अपनी उस वीडियो में बताऊंगा जिसके अंदर मैं सिर्फ सैडल बैग की बात करूंगा, उसके अंदर मैं सैडल बैग और गॉड्स कट बैग उन दोनों की एक साथ रिव्यू दूंगा। पहले मैं इसको यूज़ कर लूँ, आने के बाद मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। इसमें जो ब्लूटूथ स्पीकर लगे हैं मुझे नहीं पता ऑनलाइन कितने के आते हैं, महंगे आते हों या हो सकता है सस्ते भी आते हों। मैंने जो परचेज किए हैं ये 800 से 1000 तक की रेंज के बीच में लिए हैं। इसमें जो वायरिंग वगैरह यूज़ हुई है वो इसके बॉक्स के अंदर ही आती है, पैकिंग बहुत अच्छी थी इनकी। और ये खाली ब्लूटूथ स्पीकर का काम नहीं करते, ये एक सेंट्रल लॉक वाली चीज़ आती है, अगर मैं बाइक को टच करूँगा तो टू 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 टू, तो वो इसके अंदर इनबिल्ट है। और ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो रिमोट से उसको बंद भी कर सकते हो, उसको ऑन भी कर सकते हो, और उसके रिमोट को आप बाइक की की के साथ बांध सकते हो। वीडियो बहुत जल्दबाजी में बना रहा हूँ मैं, अगले 2 से 3 घंटे के अंदर मेरे को निकलना है। गुरजोत भाई बार बार फ़ोन कर रहे हैं और मैंने अपना फ़ोन अभी फ्लाइट मोड पर डाल रखा है, तो गुरजोत भाई सॉरी आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे मेरे को, काम को हम लोगों को निकलना है। वीडियो में अगर कोई भी कमी रह गई हो तो आप लोग कमेंट कर देना, और मैं कोई भी चीज़ जो रह गई है उसके बारे में मैं कमेंट्स में बाद में बता दूंगा।
और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो लोग बोलते हैं मैं अपनी वीडियो में ये चीज बोलता नहीं हूँ तो उसके लिए सॉरी, मैं अभी सिर्फ अपने कंटेंट में ध्यान दे रहा हूँ। सब्सक्राइबर तो आ ही रहे हैं, रोज के आ ही रहे हैं भाई। और लास्ट बार एक बात फिर मैं बोलना चाहूंगा, जिन लोगों ने लास्ट वाली मॉडिफिकेशन की वीडियो नहीं देखी थी वो फिर से देख लेना, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और आगे फिर कोई मॉडिफिकेशन होगी तो उसकी फिर से वीडियो बनेगी। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।